X, Y, and Z. The following information is obtained for the month of August. Salary, commission, traveling, postage, सब देखो expense दिए हैं. क्या बनाना है? Sales performance statement बनाना है. Sales performance statement. तो जल्दी से बनाओ. Items बनाओ, total बनाओ और तीन बनाओ X, Y और Z का पहले. देखो दो टाइप के प्रोफॉर्मास बनेंगे इसमें. आइटम्स बनाओ. पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिखो. विक्रय एवं वितरण, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को विक्रय एवं वितरण. ओवरहेड्स मींस, ठीक, तो इसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे पहले, क्योंकि सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर बनाने बोलेगा तो सबसे पहले यही बनाते हैं. आइटम्स, फिर एक टोटल का कॉलम बनेगा, फिर सेल्समैन हैं जो अपने उनका कितने हैं, तीन, एक्स वाई जेड. देखो सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी दिया है. टोटल देखो कितना दिया है उसका, 2000 रुपए. एक्स का कितना है, 500, फिर 700 और 800. सेम कमीशन का बनाएंगे अपन, 2% ऑन सेल्स बोला है. अब सेल्स देखो कितना है, ये देखो बिक्री सेल्स 20,000. तो कमीशन के लिए वर्किंग नोट पे लिखो 2% ऑफ सेल्स. तो 20,000 दिया है सेल्स, इसका 2%, तो 20,000 का 2% कितना होगा, 400. तो कमीशन में आएगा 400, ठीक. अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये सेल्स के रेशियो में, 8:4:8. देखो इसी का ही लेंगे फिर, क्योंकि अमाउंट जब उसका ले रहे हैं तो 8:4:8 रेशियो क्या बनेगा, 2:1:2. ये रेशियो बनेगा. तो 400 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा, 80. तो 2:1:2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सेल्स के बेस पे, तो सेल्स को ही रेशियो दिया. तो देखो कितना है, 8, ये आ जाएगा 160, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 160. सैलरी हो गया, कमीशन हो गया. अब देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे आएंगे अपन. ट्रैवलिंग एक्सपेंस 600 दिया है, 200, 100 और 300 दिया हुआ है, उसको एज इट इज नोट कर रहे हैं अपन. फिर देखो क्या दिया है एक्सपेंस में, पोस्टेज एंड स्टेशनरी. तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी देखो 90 दिया है ना, और उसको क्या बोल दिया है ब्रैकेट में, इक्वली. इक्वली मीन्स 30, 30 और ये 30 हो गया. फिर नेक्स्ट क्या दिया है, टेलीफोन एंड टेलीग्राम्स. हंड्रेड दिया है. अमाउंट देखो कैलकुलेट करके दिया है, 50, 20 और ये 30. नेक्स्ट देखो सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है,
कितना दिया है देखो 1000। देखो ब्रैकेट में क्या दिया है, इन रेशियो ऑफ सेल, सेल के रेशियो में डालना है ये 8:4:8। ये देखो कैलकुलेट किया था हमने कमीशन के टाइम पे, तो शॉर्टकट क्या आया था 2:1:2, तो 1000 को डिवाइड कर दो 5 से 200, तो 200 × 2 400, 200 और ये हो जाएगा 400। देखो ये सिर्फ अभी ओवरहेड्स के खर्चे निकाल रही हूँ मैं, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये एक्सपेंसेस तक निकालेंगे अपन। टोटल करो, तीनों कॉलम का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। मैम टोटल के कॉलम का 4190 आ रहा है, 0 आ रहा है, गुड। और इसका कितना आ रहा है, एक्स का 1340 वन और थ्री वाई का मैम 1130। 1 3 0 1130 ठीक, यस मैम। और जेड का आ रहा है मैम 1720। 1720। ये हो गए अपने एक्सपेंसेस, सबने नोट कर लिया यहाँ तक, यस मैम, रफ क्लियर करूं? यस सर। ठीक, कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है तो वेट कर सकते हैं अपन, पर जल्दी बताओ। अब देखो ये था अपना फर्स्ट कॉलम ना, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बनाने बोला है, सेल्स परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, तो सेल्स कैसे हुई उसकी परफॉर्मेंस है ना, तो बनाओ सेल्स परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। सेम ऐसे ही बनाएंगे, कॉलम आइटम्स, फिर टोटल, फिर सेल्समैन कितने थे अपने, एक्स वाई और ये जेड। देखो अब देखो सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी, सेल्स सेल्स में से देखो सेल्स कितना दिया है अपने को, 20,000 दिए, कितना दिया 8, 4,000 और 8,000, तो 8,000 4,000 और ये हो गया 8,000। ये हो गया अपना सेल्स परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। अब लेस माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो ये जो सेल्स परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है ये क्या निकालने बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बस और कुछ नहीं करने बोल रहे हैं। सेल्स स्टेटमेंट में क्या आता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये सेल्स दिया है, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है कितना 60% ऑफ सेल्स, तो 20,000 का 60% कितना होगा 12,000। 60% ऑफ सेल्स बोला है तो 20,000 का ही 60% तो आएगा 12,000। अब कौन से रेशियो में डालेंगे, कुछ नहीं बोला है सेल्स, बस यहाँ पे लिखा है तो सेल्स के रेशियो में ही डालेंगे। सेल्स का रेशियो क्या निकाली थी मैं, 2:1:2, तो 12,000 को डिवाइड करो 5 से, देखो 2:1:2 इसका टोटल होता है 5, करो मैम 2400 ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो यहाँ पे आ जाएगा 4800, ये हो जाएगा 2400 और ये भी हो जाएगा 4800। सेल्स माइनस के सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, तो आएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ बोलते हो ना। चलो टोटल करो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें आ रहा है 3200, इसमें आ रहा है 1600, इसमें आ रहा है फिर से 3200। देखो और ये 20 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, ये हटा रही हूँ मैम ना मैं 60 में, ये आ जाएगा 8,000। ये वर्किंग नोट हटा रही हूँ मैं, आप लोग नोट करते जाया करो साथ साथ।
फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो खर्चे थे और। तो देखो सिंगल सिंगल निकाले थे अपन, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, कितना 1340, 1130 और यहाँ आ जाएगा 1720 और इसमें कितना आया था टोटल 4190। चलो माइनस करो, कितना आया इसमें माइनस करोगे तो आएगा 3810, यहाँ आएगा 1860। और y का मैम 470। ठीक है, मैंने यहाँ ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ, देखना आप लोग कंटिन्यूएशन में ही करना उसको, आप लोग लीव मत करना बीच में, है ना। देखो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट माइनस करते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट। तो ये टोटल वाले कॉलम में देखो आएगा 3810, एक्स वाले कॉलम में आ रहा है 1860, वाई वाले कॉलम में कितना आ रहा है 470। यस मैम। और जेड में मैम 1480। 1480। ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया है देखो। चलो इसके बाद ये देखो यहाँ पे अपना आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर स्टेटमेंट बनाने बोला है सेल्स परफॉर्मेंस का, ये देखो ये सेल्स परफॉर्मेंस का अगर स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है तो हम ये तो बता ही सकते हैं इसमें कि कंपनी ने कितना परसेंट नेट प्रॉफिट अचीव किया, किसके कंपैरिजन में, सेल्स के। जब सेल्स 20,000 का था तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 3810, तो कितना परसेंट हुआ ये सेल्स का बताओ। कैसे करते हैं सेल्स कैलकुलेट, इस टाइप से कुछ आता है परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो नेट प्रॉफिट देखो कितना है, देखो यहाँ साइड में बता रही हूँ 3810 है, ठीक। किस पे निकालना है, ऑन सेल्स, तो सेल्स कितना है इसका टोटल 20,000 इंटू 100। सेम ऐसे ही 1860 है एक्स का, उसका सेल्स कितना है 8,000 इंटू 100। सेम वाई का निकालोगे 470 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100। सेम जेड का निकालो 1480 डिवाइड बाय 20 1480 डिवाइड कितने का है ये 8,000 इंटू 100। ये ऐसे निकलता है नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स का परसेंटेज। चलो बताओ कितना कितना आ रहा है, सब लिख के दे दी हूँ, कैलकुलेट करो जल्दी से। फर्स्ट वाले का आ रहा है आई थिंक 19.5। बस 5 आ रहा है मैम, टोटल में 19.5 आएगा कि 19.05 आएगा मैम? 90.05 आएगा, 05 आएगा। हाँ, बुक से देख के मत बताया करो, समझ में आया ना, आंसर गलत होता है उसमें। नेक्स्ट देखो 1860 को डिवाइड करो, फिर 470 करो डिवाइड बाय 4,000 11.75। यस मैम। और जे एट का आ रहा है 18.5। सेम दूसरा निकालो परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, सॉरी परसेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑन सेल्स। ये तो नेट प्रॉफिट का हो गया, ये खत्म कर दो यहाँ पे।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये जो आई थी ना 1340 1130 1720 ये सेल्स का कितना है ये निकालो. देखो 4190 को डिवाइड कर दो ये, फिर 1340 को डिवाइड करो. सेल्स कितना है इसका 8000. 1130 वाले का सेल्स है 4000 और 1720 वाले का सेल्स है 8000. चलो करो जल्दी. किया यहाँ पे आएगा 16.75, यहाँ आ रहा है 28.25 और यहाँ आ रहा है 21.5 और टोटल का करोगे तो आएगा 20.95. द फॉलोइंग आर द कॉस्ट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जॉब. डायरेक्ट मटेरियल 10,000, वेजेस दिया है 6,000. फिर देखो वर्किंग आवर्स हैं एक मशीन के 50 घंटे और एक मशीन का कितना मिल रहा है, मशीन आवर रेट कितना है उसका 4 रुपए. नेक्स्ट देखो मशीन बी के कार्यशील घंटे, वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन बी कितना है 80 और उस पर कितना मिल रहा है मशीन आवर रेट 5 रुपए. ठीक, 40 व्यक्तियों ने 8 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से इस उपकार्य पर काम किया. 40% वर्कड ऑन द जॉब फॉर 8 डेज फॉर 8 आवर्स ईच. मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करते थे ये लोग, 8 घंटे. कितने दिन काम किया इन लोगों ने, 8 दिन. कितने लोगों ने, 40 लोगों ने. आ रहा है समझ में? ठीक, डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना था, 2 रुपए 40 पैसे. यहाँ पे सम एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज 10,000. 10,000 रुपए के अप्रत्यक्ष व्यय मतलब ओवरहेड्स. ठीक है, संपूर्ण अवधि का कुल प्रत्यक्ष श्रम और टोटल डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है 1,00,000 रुपए. एसरटेन द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब. वर्क कॉस्ट कैसे निकलती है ये देखो, उपकार की कारखाना लागत ज्ञात कीजिए. मैंने बताया था ना मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर, तो वो बनती है कौन सी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट यानी मूल लागत. फिर जब इसमें कारखाना वो ऐड कर देंगे क्या ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना ऊपर ही वे ऐड करेंगे तो कौन सी कॉस्ट बन जाती है अपनी, फैक्ट्री कॉस्ट. और फैक्ट्री कॉस्ट को ही कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, वर्क कॉस्ट, और इसको बोलते हैं कारखाना लागत. याद आया, ये बताई थी मैं आप लोगों को क्वेश्चन में. देखो वही निकालने बोला है, एसर्टेन द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब यानी फैक्ट्री कॉस्ट. ये देखो उपकार्य की कारखाना लागत ज्ञात कीजिए. ये अगर किसी को पता नहीं है फॉर्मूला तो ये नोट कर लो आप लोग, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट लिख लो. चलो स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट. किसी को डाउट है प्रोफॉर्मा में तो पूछो जल्दी से. देखो पहले क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल लेंगे. कितना दिया है देखो 10,000. फिर
वेजेस दिया है, लेबर छ हजार, तो 10,000 और 6,000 क्या बना ये अपना? प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मूल लागत कितना हुआ ये 16,000। नेक्स्ट देखो फिर क्या ऐड करते हैं इसमें, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है तो प्लस करना फैक्ट्री ओवरहेड्स कारखाना परिव्यय। देखो मशीन ए का दिया है कितने घंटे काम हो रहा है मशीन ए में, 50 घंटे है ना, और 1 घंटे का कितना दे रहा है 4 रुपए, तो 50 × 4 करो। सेम मशीन बी का 200, हाँ ये 200 ठीक, मशीन बी का कितना है 80 और कितना मिल रहा है 5, तो ये हो गया अपना 400। क्लियर है यहां तक? Yes, ma'am. फिर देखो डायरेक्ट लेबर आवर रेट दिया है ये देखो एक मिनट है ये रफ कर रही हूं तब समझ में आएगा। ये देखो ये डायरेक्ट ये डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना दिया है 2 रुपए 40 पैसा, कितने का 40% जो कितने दिन काम किए 8 दिन 8 घंटे तक, तो देखो डायरेक्ट लेबर आवर रेट लिखो चालीस थे 8 दिन काम किया 8 घंटे तक काम किया ठीक, और कितना मिला 2 रुपए 40 पैसे। चलो टोटल करो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है मैम 6144। ठीक नेक्स्ट देखो जनरल ओवरहेड्स कितना दिया ये देखो ये क्या लिखा है सम एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के अप्रत्यक्ष ऐसे हैं जो मशीन दर या प्रत्यक्ष श्रम दर की गणना में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ठीक है, कितने के 10,000 के कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं, तो ये 10,000 के एक्सपेंस और जो टोटल डायरेक्ट वेजेस हैं वो कितना है 1,00,000, तो ये कितना हो गया 10% हुआ ना डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 1,00,000, तो 1,00,000 में कितना है ये 10% बना 10,000 1,00,000 का। ठीक तो जैसे ये 1,00,000 का 10% किए थे तो ये 10,000 बता रहा था ठीक है, तो सेम ये किसका बता रहा था टोटल डायरेक्ट वेजेस जब 1,00,000 थे तो वो एक्सपेंस कितना आया था 10,000, तो इसमें इस स्टेटमेंट में डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 6,000, तो उसका 10% कितना आएगा 600। ये इसको नाम देना जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस सामान्य उपरिव्यय टोटल।